Hello everyone, welcome back once again to a very own channel, that is Maths Zone. So finally we are back with the new episode of Sunday Vani, that is our 53rd episode of Sunday Vani, and we are back again. जैसे कि आपको पता है संडे है और संडे वाणी नहीं आएगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं. कभी कभार अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो स्किप हो जाता है, बट वरना हमारा ये सीरीज कंटिन्यू चलता ही रहेगा. तो देखते देखते हम 53rd एपिसोड में पहुंच गए हैं. और जैसे कि आपको पता है संडे वाणी में हम कुछ ना कुछ एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करके लेते हैं, कुछ ना कुछ एक मतलब मोरल स्टोरी हो या फिर कुछ भी एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं. तो अभी जो सीरीज चल रहा है इसी के ऊपर में वैसा कुछ टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, इसलिए मैं एक मोरल स्टोरी लेके आपके लिए आया हूँ. 10 मिनट के अंदर हम ट्राई करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, और आफ्टर द मोरल स्टोरी हमको इससे क्या सीखने को मिलता है या फिर क्या हमको वैल्यू एडिशन करने को मिलता है, जो मैंने सीखा मैं उसको बस आपको कन्वे करके दूंगा. ठीक है, तो पूरा लास्ट तक रहेंगे, वीडियो को देखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग आपके नियर एंड डियर के साथ भी शेयर कर सकते हैं. और अगर अभी तक आप लोग मैथ्स जोन फैमिली में ज्वाइन नहीं हो तो रेड कलर का बटन दिख रहा है नीचे में, वहां पे जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो. देखते देखते हमारा 1600 क्रॉस कर गया है फैमिली मेंबर्स, और जितना आप लोग प्यार और अफेक्शन दिखाओगे उतना जल्दी हम हमारा फैमिली को और एक्सपांड कर सकते हैं, और नया नया कंटेंट के ऊपर में भी मैं काम कर रहा हूँ. ठीक है, और फिर ज़्यादा देरी ना करके डायरेक्टली वीडियो में आते हैं, आज का टॉपिक में आते हैं, फिर हम देखते हैं कि इससे हमको क्या सीखने को मिलता है. तो और ज़्यादा देरी ना करके फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो आज का जो टॉपिक है और या फिर कैप्शन है आपको नीचे में दिख रहा होगा, तो आज का जो मोरल स्टोरी है उस वो एक पापा एक बेटा और उसके कुछ उनके कुछ मोरल स्टोरीज़ के ऊपर ही आधारित है. तो इस स्टोरी में एक छोटा सा बेटा रहता है और एक उनके पापा रहते हैं, बस यही दोनों ही स्टोरी के किरदार हैं. और उनके लाइफ में कैसा क्या पापा उनको क्या सिखाते हैं वो बेटा को एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम सीखेंगे. तो एक दिन क्या हुआ ना, ऐसे पापा और बेटा संडे को कभी कभार उनका मुलाकात होता है, क्योंकि पापा का मतलब अलग बिजनेस रहता है, वो काम में बिजी रहते हैं. वो एक्चुअली सेफ रहते हैं, एक मतलब कुक जो रहते हैं, एक बड़ा से होटल में वो कुक हैं, वो उनका काम पूरा करते रहते हैं. और जो बेटा है वो एक मतलब जस्ट उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होके वो जॉब के लिए वो सर्च कर रहे हैं, और वो मतलब जॉब सीकर है. तो अभी कभी कभार मुलाकात होता है, बेटा का अलग सा काम रहता है, पापा का अलग सा काम रहता है, टाइमिंग कभी किसी का मैच नहीं होता तो मुलाकात इतना नहीं हो पाता, टाइम स्पेंड इतना नहीं कर पाते. तो एक बार क्या हुआ, जस्ट संडे था तो पापा और बेटे दो जन फ्री थे, तो वो लोग जाके एक पार्क में बैठे थे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे. तो पापा बोले चलो आज थोड़ा घूम के आते हैं, तो जाके पार्क में बैठे थे. तो दो जन एक साथ बैठे हैं पार्क में, और आपको पता है पापा और बेटा का रिलेशन जैसा होता है, वो ज़्यादा बात नहीं करते बट सब कुछ कनेक्टेड रहता है. तो पापा बेटे को देखो, बेटा थोड़ा डिप्रेस हो गया बैठा था, मतलब ज़्यादा बात नहीं कर रहा था बस बैठा था. तो पापा उसको पूछे क्या हुआ बेटा, तुम्हें इतना डिप्रेस क्यों हो, इतना दुखी क्यों बैठे हो? तो वो कुछ नहीं बोला, पापा कुछ नहीं नॉर्मल सब कुछ चल रहा है ना, कैसा क्या चल रहा है तुम्हारा, कैसा क्या तुम्हारा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हुआ, अभी क्या करना है तुमको, क्या प्लानिंग है आगे का, प्लानिंग क्या है और क्या क्या तुम मतलब किए हो, मुझे तो कुछ बताया नहीं हो, आज थोड़ा कुछ शेयर करो तो मैं कुछ तुम्हारा हेल्प अगर कर सकता हूँ. तो बेटा और कुछ नहीं बोला, वो बोला कि नहीं पापा सब कुछ चल रहा है, बट पापा को पता चल गया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है. तो वो उसको पूछे कि क्या हुआ बताओ, तो वो थोड़ा सा सैड हुआ और बताया कि पापा कुछ भी लाइफ में सही नहीं चल रहा है, पढ़ाई तो जैसे तैसे पास कर गया बट आगे का क्या करूं कुछ पता नहीं चल रहा, अभी बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, वो एक्चुअली बहुत जगह में डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है और वो बोल नहीं पा रहा है. तो सब कुछ पापा से शेयर किया, पापा भी समझे, पापा ऐसा नहीं कि डांटे उसको, वो समझे. फिर वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम कल नेक्स्ट डे तुम्हारा कॉलेज ख़त्म करके तुम मेरे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे तुम आ जाना, मैं तुमको कुछ दिखाऊंगा. तो बेटा बोला क्या दिखाएंगे पापा, ना तुम आओ कल बात करते हो. तो और कुछ नहीं बोले, बस ऐसे बोले कि चलो आज, वरना तुम इतना सैड मत हो, आज का जो इवनिंग है उसको तुम एंजॉय करो आराम से, कल मुलाकात होगा. तो वो लोग घूमे, फिर वो लोग घर चले आए, फिर नेक्स्ट डे को कॉलेज चला गया, पापा चले गए उनके होटल, फिर लंच के टाइम में काम खत्म करके उसका कॉलेज खत्म करके वो पापा के पास पहुंचा. और जब वो उनके ऑनर से बात किया कि मेरे पापा से मिलना है, तो वो बोले ठीक है तुम जाओ किचन में वो तुम्हारे वेट कर रहे हैं. तो वो किचन चला गया बेटा जो था, और पापा वहाँ पे खड़े थे. तो पापा बोले, तो बेटा बोला क्या हुआ पापा, बुलाए थे ऐसे अचानक से, क्या कुछ दिखाने वाले थे? तो पापा बोले हाँ ठीक है तू थोड़ा खड़ा रहे, मैं तुमको कुछ दिखा रहा हूँ, और वहाँ से देख के तुम ऑब्जर्व करके मुझे बताना कि एक्चुअली तुमने क्या सीखा इसमें. तो बेटा थोड़ा हैरान हो गया कि पापा अभी क्या सिखाने वाले हैं मुझे ये किचन के अंदर. तो पापा क्या कहना, तीन ठो मतलब बाउल में पानी थोड़ा थोड़ा गर्म करे, तीन ठो अलग अलग बाउल में पानी गर्म कर दिए, और एक में एक गाजर जो कैरेट होता है उसको डाले, और एक में एग, दो ठो एग को डाल दिए, और एक में कुछ कॉफ़ी बीन्स जो रहता है उसको डाल दिए, और उसको गर्म करने लगे सेम टेम्परेचर में, तीनों को गर्म करने लगे, और बोले कि तुम ऑब्जर्व करो थोड़ा 10 मिनट तक.
पाँच मिनट तक वो गर्म हुआ सेम टेम्परेचर में, फिर वो गैस ऑफ कर दिया, फिर तीनों को उबाल को ले आए और वहाँ से तीनों प्लेट में एक में एक गाजर जो कैरेट होता है उसको रखे और दो ठो एग को और एक में रखे और एक कॉफ़ी बीन्स कुछ जो डाले थे उनको रखे और बेटे को बोले तुम ऑब्जर्व करो और बताओ मुझे क्या तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बेटा देखा तीनों को, बोला पापा क्या यहाँ पे तो वही कैरेट है, यहाँ पे एग्स है और यहाँ पे कॉफ़ी है और आप मुझे क्या बताना चाहते हो, ये तो इनमें से कुछ ऐसे खाना भी नहीं बना जो आप मुझे बोलोगे खाने के लिए। तो पापा बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बोला तुम ऑब्जर्व करके बताओ कि क्या तुमने देखा अभी पाँच मिनट में। तो बोले कुछ नहीं, गर्म हो रहा था और वो उसका गर्म हुआ, इसका गर्म हुआ और कॉफ़ी बीन्स उसका गर्म हुआ। तो पापा बोले ठीक है तुम बैठो अभी मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ। तो पापा उसको बिठाए और वो जो कॉफ़ी बीन्स था उसको लेके एक उसको ग्राइंड करके उसको फिर कॉफ़ी बनाए और बेटे को एक कप दिए, खुद एक कप कॉफ़ी पी के बैठे और दो जन कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और पापा उसको बोले कि देखो अभी सेम टेम्परेचर में मैंने पानी को गर्म किया था और तीनों में मैंने एक में कैरेट एक में एग्स एंड एक में कॉफ़ी डाला था। जो कैरेट था वो पहले से बहुत हार्ड था, बाहर से हार्ड था और उसको तुम हाथ से कुछ नहीं कर पाते थे, बट जब वो गर्म हो गया उसको अभी तुम देखो, तो जब वो बेटा उसको छुआ तो पूरा सॉफ्ट हो गया था कैरेट। और नेक्स्ट फिर एग को बोले पापा देखो इसको एग को किया तुमने ऑब्जर्व किया, जब वो पहले था वो सेल के अंदर था, मतलब उसका जो कवर होता है उसके अंदर था, तब पूरा सॉफ्ट था पूरा सॉफ्ट, बट जब हमने उसको गर्म किया वो ऑटोमेटिकली जब हमने उसको उसके कवर को तोड़ेंगे तो वो पूरा ऑटोमेटिकली हार्ड हो गया, वही सेम टेम्परेचर में सेम सब कुछ टेम्परेचर में हमने किया। और जो कॉफ़ी था वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो पानी था वो कॉफ़ी को कुछ चेंज नहीं कर पाया, बट वही जो था जैसे हार्ड था वैसे ही हार्ड है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? तो बेटा बोला क्या सीखा, तो अभी पापा उसको समझा रहे हैं कि देखो बेटा लाइफ में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आएगा और बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें कि बहुत हार्ड सिचुएशन भी आ सकता है, कभी कभी बहुत सॉफ्ट सिचुएशन भी आता है, बट द थिंग इज़ हम उसको कैसे डील कर रहे हैं, हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कैरेट की तरह पहले से हार्ड दिखाऊं और जब सिचुएशन आएगा मैं पूरा सॉफ्ट हो जाऊं तो भी कुछ फ़ायदा नहीं। सेकंड में अगर मैं एग की तरह पहले से सॉफ्ट रहूं और अचानक से ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया कि मैं बहुत हार्ड हो जाऊंगा तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो होना है तो कॉफ़ी की तरह होना है। देखो अभी जो हम कॉफ़ी पी रहे हैं वो पहले से जैसा हार्ड था, गर्म करने के बाद भी वैसे ही हार्ड रहा और वो कॉफ़ी को मैंने ग्राइंड करके अभी जब उनको बनाया वो कॉफ़ी तो चेंज नहीं हुआ, बट जिसमें वो गर्म कर रहे थे वो पानी जब हमने मिलाया वो पानी को ही रंग को चेंज कर दिया, फिर पानी को ही पूरा चेंज कर दिया, फिर उसका फ्लेवर का ही चेंज कर दिया। तो कैरेट भी नहीं बनना है, एग भी नहीं बनना है लाइफ में, हमको कॉफ़ी की तरह बनना है, जो कि जो भी सिचुएशन जो भी हार्ड सिचुएशन हमारे लाइफ में आएगा या फिर हमको डिफ़िकल्टीज फेस होगा तो पूरा होप भी नहीं खो देना है, बहुत एक्साइटेड भी नहीं हो जाना है, जैसे हैं वैसे ही डील करना है उसको। और अगर सिचुएशन वैसा हो जा रहा है तो खुद को ना चेंज करके हम सिचुएशन को ही ऐसा चेंज कर देंगे, हम कॉन्स्टेंट रहेंगे बट सिचुएशन को चेंज कर देंगे, तभी जाके हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। बस यही था एक बहुत छोटा सा प्यारा सा एक स्टोरी जिसमें कि हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कि जो जैसे पापा ने उनको ऑब्जर्व करके बेटा को सिखाया कि लाइफ में बहुत सारा कुछ हमारे पास आएगा, रिटर्न आएगा, जो भी मतलब डिफ़िकल्टीज आएगा सबके लाइफ में रहता है, मेरे लाइफ में है, आपके लाइफ में है, और सबके लाइफ में अगर नहीं है तो आएगा और अगर है तो कभी ना कभी वो दूर होगा। बट द थिंग इज़ हमको ना कैरेट की तरह बनना है, पूरा हार्ड थे और पूरा सॉफ्ट बन जाएंगे, ना ही हमको एग की तरह बनना है जो कि पहले से सॉफ्ट था और अचानक से सिचुएशन देख के हार्ड हो जाएगा तो भी कुछ फ़ायदा नहीं। बनना है अगर कॉफ़ी की तरह बनना है जो कि पहले से जो था आगे में भी सिचुएशन आने के बाद भी वही सेम ही कॉन्स्टेंट रहा, बट एट द एंड ऑफ द डे पता चला कि वो तो चेंज नहीं हुआ बट सिचुएशन जो उसके ऊपर जो डिफ़िकल्टी सिचुएशन उसके ऊपर आया था वो उसी को ही चेंज करता है। जैसे पानी को मैंने जब पानी में डाला तो वो पानी का कलर या फिर उसका फ्लेवर ही चेंज कर दिया, बट कॉफ़ी कुछ चेंज नहीं हुआ। दैट इज़ द ओनली वे टू डील विद आवर लाइफ। तो यही था छोटा सा एक स्टोरी जिसके थ्रू मैंने जो मतलब जब मैंने सुना था मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने सोचा था कि कभी ना कभी इसको संडे वाणी के एपिसोड में आपको कन्वे करूँगा, और आई होप मैंने उसको पूरा ठीक तरीके से कन्वे किया और आप लोगों को भी मतलब फील हुआ होगा कि एक्चुअली में भी हमारे लाइफ में ऐसा कुछ जब भी आता है तो हम बहुत डिप्रेशन भी नहीं होंगे कि बहुत एक्साइटेड भी नहीं होंगे, मैं जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे और थोड़ा सा फेस करेंगे उसको, और ऑटोमेटिकली अगर हम सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे तो खुद को चेंज ना करके सिचुएशन को ही अच्छे से उसके अनुसार ही चेंज कर देंगे, ना सॉफ्ट होंगे ना हार्ड होंगे बट नॉर्मल होंगे उसको डील करेंगे। तो बस आज का इतना ही था, आई होप इसको आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो आप लोग आपके नियर एंड डियर के साथ शेयर करेंगे, ऐसे ही टॉपिक में ऊपर मैं डिस्कशन लाता रहूँगा, और अगर कुछ टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी डाउट्स है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, ऑल ऑफ यू स्टे सेफ स्टे एट होम। जय जगन्नाथ।